की सबसे बड़ी खबर यह, द लेजेंड ऑफ बॉलर जट ड्यूप्लेक्स सिनेमा कराची में रिलीज कर दी गई है जी। इसकी एडवांस बुकिंग ऊपर हो गई है, कवाल से बकायदे तौर पर रिलीज कर दी जाएगी। 27 अक्टूबर को ये रिलीज हो रही है। तो गाइस जो लोग के लिए वेट कर रहे थे, तो अब ओपनिंग हो गई है, तो कल आप जरूर जाइए, पाकिस्तानी सिनेमा को जरूर सपोर्ट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज का ये वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको 12 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा द लेजेंड ऑफ मौला जट का पाकिस्तान में। तो ब्रेक थ्रू करते हैं। जो थर्सडे प्रीव्यूज में ये 13 अक्टूबर को रिलीज हुई थी शाम 6 बजे के बाद, तो थर्सडे प्रीव्यूज में हमारे पास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था 1.75। फ्राइडे की हम बात करें तो हमारे पास कलेक्शन आया था 2.75, और अगर हम सैटरडे की बात करें तो हमारे पास कलेक्शन आया था 3.45, और अगर संडे की बात करें तो 3.35। अगर हम टोटल जो वन वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, जो हमारे पास आता था 11.3 करोड़। ठीक है, इनमें ये था कि यार उस वक्त ना तो बैरियर टाउन में ये फिल्म रिलीज हुई, तो बैरियर टाउन का पता है आपको, दो सिनेमाज करते हैं, ये द अरीना है, सिनेगोल्ड प्लेक्स है, इन दोनों में मूवीज रिलीज नहीं हुई थी, ना सिनी स्टार में, सिनीपैक्स और न्यूप्लेक्स में। ये उसके बगैर ये आपको मैं कलेक्शन बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता था वर्किंग डे में मंडे था, मंडे को जो इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था हमारे पास आता है 2.17 करोड़ आता थे। फिर ट्यूसडे को ये हमारे पास आता है 2.2 करोड़ आता है, और जब वेनसडे की बात करें ये तो हमारे पास आता है 2.3 करोड़। ठीक है, वेनसडे के बाद जो बैरियर टाउन ने अपनी बुकिंग ओपन कर दी थी, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मामला तय हो गए थे और ये ओपनिंग हो गई थी इनकी, तो बैरियर के जो दो सिनेमाज थे उनमें ये मूवी लगने लग गई थी। तो थर्सडे का जो फिर कलेक्शन था डेफिनेटली वो इंक्रीज हुआ है, वो हमारे पास आया था 2.33 करोड़। ठीक है जी, अगर हम टोटल वन वीक की कलेक्शन की बात करें तो वो हमारे पास फिगर आया वन वीक का 20.3 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो हमारे पास आता है जी 2.5 करोड़, और सैटरडे का जो बॉक्स ऑफिस था वो फर्स्ट सैटरडे का बॉक्स ऑफिस से 5 लाख ज्यादा था। अब जो सैटरडे में जो बॉक्स ऑफिस ने किया है हमारे पास आया 3.5 करोड़, और जो फर्स्ट वीक का सैटरडे था उसमें हमारे पास आया था 3.45। तो इस लिहाज से सैटरडे मजीद इंक्रीज हुआ। अब जो नेक्स्ट डे था यार हमारे पास संडे का आ जाता था। संडे में क्या था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और संडे में एक प्लस पॉइंट हमें ये मिला था, जो सेंटूरस मॉल था वो काफी अरसे से बंद था फायर की वजह से। ठीक है, क्लियरेंस मिली तो संडे से बाकायदा तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट इस्लामाबाद के सेंटूरस मॉल में दिखाई गई है। तो संडे को कलेक्शन हुआ 3.11 करोड़। फिर सेकेंड वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करें तो हमारे पास आता है 9.11 करोड़, और अगर हम इसके कंपेरिजन करें जी फर्स्ट वीकेंड के साथ, तो फर्स्ट वीकेंड का जो बिजनेस था हमारे पास आता है 11.3 करोड़ इसमें, लेकिन हमारे पास थर्सडे व्यूज थे, फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन था वो था 11.3 करोड़। फर्स्ट वीकेंड को माइनस करें सेकंड वीकेंड के साथ तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड में हमारे पास फिगर आया 11.3 करोड़ का, तो माइनस हमने किया 9.11 करोड़, तो हमारे पास आता है जी 2.19। तो डिफरेंस 2.19 करोड़ का आया जो फर्स्ट वीकेंड में था, उसमें थर्सडे व्यूज भी इंक्लूड थे। अगर हम थर्सडे प्रीव्यूज भी हम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जस्ट जो फिगर आता है जी 44 लाख का डिफरेंस आता है फर्स्ट वीकेंड और सेकंड वीकेंड में। तो इससे हिसाब लगा लें कि मूवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही थी बॉक्स ऑफिस में। अब नेक्स्ट डे आ जाता है जी हमारे पास वर्किंग डे आ जाता है, मंडे का जो कलेक्शन था हमारे पास आया जो 1.84 करोड़, और अगर बात की जाए ट्यूजडे का, तो ट्यूजडे को कलेक्शन आया 1.82। तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जी न्यूप्लेक्स कराची वाले के मामला डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तय पा गए हैं और मूवी रिलीज कर दी गई है। वेडनेसडे को इसकी ओपनिंग हो गई है और थर्सडे से बकायदा मूवी को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें भी अब हम बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस में ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा, कराची का सबसे बड़ा सिनेमा न्यूप्लेक्स है, तो इंशाल्लाह इससे बॉक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट लगेगा। तो अगर हम ट्यूसडे तक की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो हमारे पास टोटल फिगर आता है 33.07 करोड़। तो ये 12 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और ये नंबर 6 पर आ जाती है पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, जो कि इस एतबार से हमने इसका लगाया कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली अब ये 6वीं बड़ी मूवी बन गई है जवानी फिर नहीं आनी। तो ये इसकी डिटेल मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता दी हुई, कोई स्क्रीन पे भी चल रही होगी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे। तो जैसे ही अब न्यूप्लेक्स सिनेमा में ओपनिंग हो गई है मूवीज की, तो डेफिनेटली ये बॉक्स ऑफिस जो है वेडनेसडे का तो 1.8 के करीब ही बॉक्स ऑफिस आएगा रिजल्ट। तो थर्सडे से इंशाल्लाह ये 2 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लेगी,
क्योंकि इसमें शोज, अगर हम शोज की बात करें जो न्यूप्लेक्स में दिए गए हैं, अराउंड अबाउट जो डीएचए न्यूप्लेक्स है उसने भी 8-9 के करीब दिए हैं शोज, और जो अस्करी न्यूप्लेक्स है उसमें भी 8-9 के करीब शोज हैं। तो अभी उन्होंने सारे शेड्यूलिंग नहीं किया, ये मैं शेड्यूल भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ साथ। तो ये है कि अभी उन्होंने एक दो स्क्रीन उनकी अभी रहती है, शायद कल परसों तक में वो मजीद शोज ऐड कर लेंगे। तो ये डेफिनेटली जो थर्सडे का कलेक्शन है वो 2 करोड़ से प्लस होगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, जैसे ही ये नंबर 1 पे आएगी मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।